Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So let's continue the chapter number 8, decimals. In today's lecture, we learn about addition and subtraction of decimals. So let's start. Addition of numbers with decimals. The value of a decimal number does not change by adding zeros at the end after the decimal point. Means the value of a decimal number does not change by adding zeros at the end after the decimal point. Kisi bhi decimal number ke piche आप जीरो ऐड करते जाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल 3.6 को अगर मैं 3.60 लिखूं तो भी वो 3.6 है, 3.600 लिखूं तो भी वो 3.6 है, 3.6000 लिखूं एंड सो ऑन. ऐसे कितने भी जीरो उसके पीछे लगाते जाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. व्हाइल एडिंग डेसिमल नंबर्स वी शुड राइट द नंबर्स वन बिलो द अदर सच दैट the decimal points fall exactly one below the other. आप चाहे कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाओ लेकिन कुछ बच्चे हैं वो मिस्टेक करते हैं और करते ही हैं. डेसिमल नंबर्स को ऐड करते टाइम या सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना है. अगर हमारा नंबर सी माय क्वेश्चन इज 3.2 प्लस 1.6 5. If my question is this, कि add 3.2 with 1.65, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 3.2 लिखा पहला नंबर, अब 1.65. Is it correct? ये correct है? नहीं. जब भी कभी आप decimal numbers को add करो या subtract करो, decimal जो है वो decimal के नीचे ही आना चाहिए. तो for this 1.65. This is the correct way. इस तरीके से हम add करते हैं. तो यहाँ यही लिखा है, while adding decimal numbers को add करते time, we should write the numbers one below the other such that the decimal points fall exactly one below the other. कि जब भी हम decimal numbers को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं तो हमें हमेशा ऐसे लिखना चाहिए कि एक नंबर का डेसिमल जो है वो दूसरे नंबर के डेसिमल के नीचे ही आए, एग्जैक्टली वन बिलो द, एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होने चाहिए. वी ऑल्सो एंश्योर दैट द गिवन नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स बाय एडिंग जीरो एट द एंड इफ रिक्वायर्ड. सी अब इन दिस क्वेश्चन आफ्टर डेसिमल हेयर इज वन डिजिट एंड इन दिस नंबर आफ्टर डेसिमल हैविंग टू डिजिट्स. तो आप इसको क्या करो कि यहाँ पे जीरो ऐड करके इसको भी टू डिजिट बना दोगे जिससे कि एडिशन करते टाइम कोई हमारी मतलब गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो. तो इसलिए मैं ऊपर ये बताया है कि आप डेसिमल के पीछे कितने भी जीरो ऐड करो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है. तो इस तरीके से अगर हमें जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद वन ही डिजिट था और उसके नीचे नंबर में डेसिमल के बाद टू डिजिट था तो उनको हम लाइक डेसिमल बनाने के लिए एक जीरो ऊपर लगा देंगे तो हमें प्लस या माइनस करते टाइम हमारी मिस्टेक्स नहीं होगी. तो वही लिखा है, वी ऑल्सो एंश्योर दैट द गिवन नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स बाय एडिंग जीरोस एट द एंड इफ रिक्वायर्ड. देन वी कैन ऐड द डेसिमल नंबर्स इन द सेम वे एज अ होल नंबर्स एंड पुट द डेसिमल पॉइंट्स इन द आंसर एग्जैक्टली बिलो द अदर डेसिमल पॉइंट्स. तो फिर उसके बाद जैसे हमने लाइक डेसिमल्स बना दिए, फिर जैसे हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है. पर जब आपका आंसर आ जाए ऐड करने के बाद तो ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है. अगर आप डेसिमल नहीं लगाते हो तो आपका जो सम है, जो आंसर आपका है वो रॉन्ग हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सी 2.06 एंड 3.182. अब इन दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है. Now see in this number here after decimal two digits are there, है ना, 0.06 and in this number after decimal there are three digits 1, 2, 3. तो first you write 2.06,
आप इसको 2.060 भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो ऐड करो उसमें नंबर पे कोई उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको भी हमने डेसिमल के बाद थ्री डिजिट बना दिया एंड 3.182, राइट डाउन एग्जैक्टली बिलो द डेसिमल के नंबर, नीचे डेसिमल लगा के 3.182 आपने लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो, जैसे होल नंबर ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है। 2.2 + 0 2 8 + 6 14 14 का 4 1 carry 1 + 1 2 and 3 + 2 5। जब आपका ऐड करके आंसर आ जाए तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे। अगर आपने डेसिमल नहीं लगाया तो ये क्या बन जाएगा, 5242, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5.242। समझ में आया? तो ये आपको खास ध्यान रखना है। सी सेकेंड एग्जाम्पल, एड 1.12 2.175 and 5.4। In this number, after decimal, two digits are there. And in this number, after decimal, there are three digits. And in this number, after decimal, only one digit is there. So, आप पहले क्या करोगे? इनको like decimal में change कर दोगे. So one, क्योंकि आपको इस digit, इस number में after decimal three digits हैं. तो इन सबको three digit बनाना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा? 1.120, फिर 2.175, then 5.400. तो अब आप ऐड करते टाइम आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो 5 + 0 5 7 + 2 9 4 + 1 5 5 + 1 6 5 + 2 7 7 + 1 8 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, सो आंसर इज 8.695। तो समझ में आया कैसे ऐड करते हैं दो डेसिमल नंबर्स को? ठीक है, अब इस पे कुछ ट्राई दीज भी दिए हुए हैं। सी मैं ये ट्राई दीज आपको करा रही हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो आपको खुद से करने हैं, सिंपल है, सिर्फ ऐड ही करने हैं। किस तरीके करने हैं वो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया, ऐसे ही आपको वो क्वेश्चन नंबर वन अपने आप करना है। ठीक है, सी 0.29 + 0.36 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूनिट्स 10th and 100th डिजिट्स and the decimal points are written exactly one below the other, then additions are done like usual additions. अगर हम units को, 10th को और 100th को, जैसे हम and the decimal points को एक दूसरे के नीचे exact लिखें, मतलब जैसे units की जगह unit के नीचे unit, decimal के नीचे decimal, 10th place की जगह पर 10th place, 100th की जगह पर 100, तो हम बिल्कुल addition हम जैसे कैसे करते हैं, जैसे हम usual addition करते हैं ना simple वाले, वैसे जैसे for example देखो 0.29 and 0.36, तो 9 is in 100th place, 2 is in 10th place and 0 is ones, मतलब ones पे कुछ है ही नहीं, तो according to यहाँ पर उनको place value बताई है, तो 0 ones 2 10th 900 और ऐसे 0 ones 3 10th 600 add किया 9 plus 6 15 का 5 1 carry 3 plus 2 5 5 plus 1 6 point के नीचे point 0 के नीचे 0, सो आंसर इज 0.65। तो मतलब आपको ऐड करते टाइम प्लेस वैल्यू का भी ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, टेंथ प्लेस के नीचे टेंथ प्लेस आना चाहिए, हंड्रेड प्लेस के नीचे हंड्रेड प्लेस आना चाहिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 0.7 + 0.08। अब देखो इस सम में टेंथ प्लेस पर है और इस डिजिट में हंड्रेड प्लेस पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हंड्रेड प्लेस पे जीरो लगाना पड़ेगा, है ना, 0 1 7 10 0 100 and in this number 0 1 0 10 and 800। तो 100 के नीचे 100 लिखा, 10th के नीचे 10th and ones के नीचे ones और उसको add कर दिया, है ना। Now third question, 1.54 + 1.80, 1 ones है, 5 10th है, 4 100th है, same here 1 ones 8 10th 0 100th, तो प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखी और उसको ऐड कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया 4 + 0 4 8 + 5 13 का 3 1 carry 1 + 1 2 2 + 1 3, तो आंसर इज 3.34। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 2.66 + 1.85, हियर आल्सो 2 1s 6 10th 600 1 1s 8 10th 500, डिजिट के प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखी और उनको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये सम करने हैं, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आपको लिखना है और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, डिजिट एकदम अच्छे से बनानी है। ठीक है, अब जाती है एक्सरसाइज 8.5।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सीधे प्लस करने, जैसे फर्स्ट में आपको देखो 0.07 प्लस 8.5, तो देखो यहाँ पे मेकिंग लाइक डेसिमल, पहले उनको लाइक डेसिमल बना दिया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 20 लगा दिए तो 3 डिजिट बन गया। यहाँ पे 30.08, अब देखो सी यहाँ पे वंस 0 था, यहाँ पे वंस 8 था, यहाँ पे वंस और टेंस, तो वंस के नीचे वंस आएगा और टेंस आगे आएगा, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू ही हमको डिजिट और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। एंड 080, अब इसको एड कर दिया, 7 + 0 = 7, 8 + 0 = 8, 5 + 0 = 5, 8 + 0 = 8, 3 का 3, तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से आपको ये सम अपने आप करने हैं, ठीक है। कॉपी कोई नहीं करेगा, पीडीएफ में भेजूंगी आपको, सम्स करने के बाद चेक करने हैं कि आपके आंसर ठीक आए कि नहीं, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको अपने आप कर लेने हैं। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम। राशिद स्पेंड्स रुपीज 35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 फॉर साइंस बुक्स। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। राशिद ने जो है मैथ्स की बुक पर 35.75 रुपीज खर्च किए, स्पेंड मतलब खर्च करना, और साइंस की बुक पर 32.60 रुपीज खर्च किए। दोनों मिला के फाइंड द टोटल सम स्पेंट बाय राशिद, दोनों में मिला के राशिद ने कुल कितना अमाउंट खर्च किया। तो मनी स्पेंड बाय राशिद फॉर मैथ्स बुक रुपीज 35.75 एंड मनी स्पेंड बाय राशिद फॉर साइंस बुक। स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप लोगों के मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में देखे, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ, आगे का ऑब्जेक्टिव तो आप कर लेते हो लेकिन पीछे पीछे आते 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 आप लोग लिखते ही नहीं हो कुछ ठीक से। बार बार मैं आप लोगों को 4 स्टैंडर्ड से समझाती हुई आ रही हूँ कि स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व दीज, और वर्ड प्रॉब्लम में मार्क्स डिवाइडेड होते हैं स्टेटमेंट के, कैलकुलेशन के, आंसर के, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखने हैं। तो मनी स्पेंड बाय राशिद फॉर साइंस बुक 32.60 रुपीज, टोटल मनी स्पेंड बाय राशिद ऑन बोथ बुक्स। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है और ऐसे भी लिखा है, तो आपको ये भी करके दिखाना है। हाँ, ये भी से करके दोनों का एडिशन डायरेक्ट नहीं लिखना है आंसर, ये भी लिखना है नीचे। सो 5 + 0 = 5, है ना, 7 + 6 = 6, 6 + 6 = 6, 12 + 13 का 3, 1 कैरी, ना 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8 एंड 3 + 3 = 6। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद, आंसर इज टोटल मनी स्पेंड बाय राशिद इज ₹68.35। अब इसमें आंसर नहीं लिखा है, आंसर आपको खुद लिखना है। समझ में आया कि आंसर लिखोगे, टोटल मनी, द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद इज ₹68.35। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड तो हो गया। राधिकाज मदर गेव हर ₹10.50 एंड हर फादर गेव हर ₹15.80। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय हर पेरेंट्स। कितने सिंपल और इजी क्वेश्चंस है ना। मनी गिवन बाय राधिकाज मदर, राधिका की मदर ने उसको कितने पैसे दिए, ₹10.50, है ना, या ₹10.50। और मनी गिवन बाय हर फादर, उसके फादर ने कितने मनी दी, ₹15.80। देयरफॉर टोटल मनी गिवन टू हर बाय हर पेरेंट्स इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट पूछा है ना तो ऐड करेंगे। तो देखो 0 + 0 = 0 और 8 + 5 = 13, 1 कैरी, नाउ 5 + 1 = 6 एंड 1 + 1 = 2। तो आंसर इज क्या हो जाएगा, द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय हर पेरेंट्स इज ₹26.30। आंसर लिखना है, मैंने जानबूझ के छोड़ा है देखने के लिए कौन मुझे पूरा कंप्लीट करके देगा। क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर, द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय हर पेरेंट्स इज ₹26.30। क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नसरीन बॉट 3 m 20 cm क्लोथ फॉर हर शर्ट एंड 2 m 5 cm क्लोथ फॉर हर ट्राउजर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बाय हर। नसरीन जो है शर्ट बनाने के लिए 3 m 20 cm का क्लोथ लेकर आई और
ट्राउजर, ट्राउजर मतलब पेंट बनाने के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर का क्लोथ लेकर आए, टोटल मिलाकर वो कितना क्लोथ लाए। अब देखो ये मीटर और सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, है ना, और हम कर रहे हैं डेसिमल के एडिशन, तो उनको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। सी, लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय नसरीन फॉर हर शर्ट, है ना, शर्ट के लिए नसरीन जो कपड़ा खरीद के लाए उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, वो हो गया 3.20 मीटर। कैसे हो गया, 3 मीटर कन्वर्ट 20 सेंटीमीटर, तो क्या किया, इस 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, पूरा टोटल हमने बना दिया मीटर, तो 100 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100। अब 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो डेसिमल काउंट बिफोर 2 डिजिट, तो ये हो गया 0.20 मीटर। नाउ 3 मीटर प्लस 0.20 मीटर इज इक्वल टू 3.20 मीटर, हो गया कन्वर्ट डेसिमल में। सेम ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा लेके आए हो, 2 मीटर ट्राउजर के लिए कपड़ा लेके आई, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, तो ये तो मीटर है, 5 सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100, है ना, 5/100। अब 100 में 2 जीरो, तो डेसिमल काउंट बिफोर 2 डिजिट, पर यहां पर तो एक ही डिजिट है, उसके आगे क्या लगा देंगे, 0.0 मीटर, तो हो गया कन्वर्ट। नाउ 2 मीटर प्लस 0.05 मीटर इज इक्वल टू 2.05 मीटर। नाउ बोथ नंबर्स आर कन्वर्टेड इन डेसिमल, दोनों कन्वर्ट हो गए, 3.20 मीटर एंड 2.0, समझ में आया 0.5 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट था 5, है ना, और 100 में 2 जीरो होते हैं, डेसिमल काउंट बिफोर 2 डिजिट, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, दूसरा डिजिट के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.05 मीटर हो गया। नाउ अब उसको ऐड कर दो, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बनेगा, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय हर, टोटल लेंथ मतलब उसके नसरीन जो है टोटल कितना लेंथ का कपड़ा खरीद के लाई, दोनों को ऐड कर देंगे। सी, 5 + 0 = 5, 2 + 0 = 2, 3 + 2 = 5, इट मीन्स 5.25 मीटर। तो आंसर क्या लिखोगे इसका, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय हर, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय हर इज 5.25 मीटर। क्लियर, समझ में आया कैसे करोगे, ये मैंने करके इसलिए लिखा है, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे मैम ने डेसिमल में चेंज किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। नरेश जो है वो सुबह के टाइम 3 मीटर 20 सेंटीमीटर चलता है और शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर चलता है, तो टोटल मिला के वो कितना वॉक करता है। तो अब देखो ये किलोमीटर मीटर में दिया है, तो हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो नसरीन, डिस्टेंस वॉक बाय नरेश इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना वॉक करता है, 2 किलोमीटर 35 मीटर, तो अभी मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, जो यहाँ पे करके दिया है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ क्यों किया, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी, ओके, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 35 मीटर इज इक्वल टू 35/1000, है ना, 35/1000 किलोमीटर हो गया। नाउ 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल काउंट बिफोर 3 डिजिट, तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट दी हुई है, 5, 3, 0 लगा देंगे, 0.0 किलोमीटर। अब और किलोमीटर कितना था इसमें आगे, 2, तो 2 + 0.2
0.035 is equal to 2.035 किलोमीटर। समझ में आया? क्या किया हमको प्लस करने के लिए उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये तो किलोमीटर है ही, इस मीटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में, तो ये कितना हो गया 0.035 किलोमीटर। नाउ ऐड 2 किलोमीटर प्लस 0.035 किलोमीटर, तो आपका आ गया 2.035 किलोमीटर। समझ में आया? ऐसे ही डिस्टेंस वॉक बाय हिम इन द इवनिंग, इवनिंग में कितना डिस्टेंस वॉक करता है वो, 1 किलोमीटर 7 मीटर। अब 7 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो क्या होगा, 7/1000, है ना, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 7/1000। अब 7 तो सिंगल डिजिट है और यहाँ पे कितने जीरो है, 1, 2, 3, इट मींस डेसिमल्स कम्स बिफोर 3 डिजिट, तो 1 डिजिट पे 2 डिजिट लगा के 0 लगा दिया, तीसरे डिजिट के लिए भी 0 लगा दिया, 0.0, तो क्या हो गया 0.007 किलोमीटर। नाउ ऐड 1 प्लस 0.007 is equal to 1.007 किलोमीटर। तो अब दोनों डेसिमल बन गए, 2.035 एंड 1.007। नाउ ऐड दिस टू नंबर्स, 7 प्लस 5 12 का 2, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 0 2 प्लस 1 3, दिस इज द आंसर। तो टोटल डिस्टेंस वॉक बाय हिम इन ऑल 3.042 किलोमीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर, आंसर आपको खुद से लिखना है, ये याद रखना, हाँ आंसर क्या करना है, खुद से लिखना है। ओके नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, सिंपल एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 6, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। ओके नाउ डिस्टेंस ट्रेवल, देखो वो बस से भी जाती है, फिर कार से जाती है, फिर पैदल चल के जाती है अपने स्कूल पहुंचने के लिए, तो उसका जो स्कूल है वो घर से कितना दूर है, तो तीनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे। सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सुनीता बाय बस, बाय बस, बस से करने के लिए कितना उसने टाइम लिया, 15 किलोमीटर 268 मीटर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेसिमल में, तो 268 मीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से, वाई 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 268 मीटर इज इक्वल टू 268/1000, 1000 में 30 डेसिमल कम्स बिफोर 2 बिकॉज 268 तो 3 डिजिट है, डेसिमल कहां जाएगा 2 के आगे। अब 15 प्लस 0.268 हो गया 15.268, ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर बाय कार 7 किलोमीटर 7 मीटर, अब 7 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर, तो डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाई 1000, 1000 में कितने जीरो, 3, 1, 2, 3, तो डेसिमल क्या आएगा 3 डिजिट के आगे, अब 700, तो क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो 7.007 किलोमीटर। ओके अब उसके आगे क्या बचा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, है ना, लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के दूंगी बाद में, उसमें देख के लिखना आप, डिस्टेंस नहीं लिखा जाता बेटा, माउस से ना लिखने में बहुत परेशानी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, बाय फुट इज इक्वल टू 500 मीटर, इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर, डिवाइड बाय 1000, अब 1000 में 30, डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट, इट मींस दिस इज 0.500 किलोमीटर।
अब 3 किलोमीटर हो गए तो आप लिखेंगे दिस, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज फ्रॉम हर स्कूल टू हर रेजिडेंस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे तीनों को प्लस करेंगे, द फर्स्ट इज 15.268, नाउ 7.007 एंड 0.500, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, यहाँ कुछ नहीं है जीरो लगा दो, तीनों को ऐड करो, नाउ 8 + 7 = 15, 15 का 5, 1 कैरी, 6 + 1 = 7, 5 + 2 = 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 + 5 = 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 + 1 = 2, तो क्या आ गया आंसर 22 किलोमीटर, 775 मीटर, सो द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडेंस एंड हर स्कूल, अब आंसर लिखोगे उसके नीचे आप कि द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडेंस एंड स्कूल इज 22.775 किलोमीटर, समझ में आया किस तरीके से किया, बस आपको जब इस तरीके के सम दिए हो तो क्या करना है उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हम डेसिमल के एडिशन कर रहे हैं, तो जो हायर यूनिट है वो तो एज इट इज रहेगी, जो लोअर यूनिट है उसको कन्वर्ट कर दो हायर यूनिट में तो डेसिमल नंबर बन जाएगा, फिर उन सब डेसिमल को प्लस कर दो, समझ में आया, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, रवि परचेस्ड 5 kg 400 g राइस, 2 kg 20 g शुगर एंड 10 kg 850 g फ्लोर, फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, इतना राइस खरीदा, इतना शुगर खरीदा, इतना फ्लोर खरीदा, फ्लोर मतलब आटा, तो इन तीनों को मिला के टोटल कितना वेट खरीदा उसने, देखो तो वेट ऑफ उनका, फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, जो उसने खरीदा है उसका टोटल वेट कितना है, सी वेट ऑफ राइस कितना है 5 kg 400 g, अब देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फिर मैंने आपको बार बार बताया वही करेंगे, 400 को कन्वर्ट किया है ना, तो 400 / 1000 / 1000 इज इक्वल टू 0.400 kg, नाउ ऐड 5 + 0.44 ये हो गया 5.400, ऐसी 2 kg 20 g, तो 20 g को कन्वर्ट किया किलोग्राम में, तो डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.020, क्यों 0.020, क्योंकि 1000 में कितने डिजिट है 3 0 है, तो डेसिमल कम बिफोर 3 डिजिट, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 1 0 लगा दिया, तो क्या 0.020 kg, एंड वेट ऑफ फ्लोर इज 10 kg 850 g, तो 850 g को कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, तो डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.850, है ना, अब इसको ऐड कर दिया तो ये भी हो गया किलोग्राम में, अब इसको ऐड कर दिया 10 के साथ, तो क्या बन जाएगा 10.850, सब किलोग्राम में चेंज हो गया, नाउ टोटल वेट, अब आप तीनों को प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है लेकिन आपको एडिशन दिखाना है, ठीक है, नोटबुक में करते टाइम आप क्या करोगे एडिशन दिखाओगे किस तरीके से, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो फर्स्ट कितना हो गया 5.400, सेकेंड हो गया टू वेट ऑफ शुगर इज 2.020, वेट ऑफ फ्लोर इज 10.850 प्लस, अब ऐड करो 0 + 0 + 0 = 0, नाउ 5 + 2 = 7, 8 + 4 = 12 का 2, 1 carry, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8 एंड 1, तो 18.270 इज द टोटल वेट ऑफ रवीज परचेज, तो आंसर हो गया देयरफॉर टोटल वेट ऑफ रवीज परचेज इज 18.270 kg, समझ में आया, इस तरीके से ना लिख के आप इसको क्या लिखोगे टोटल वेट इज इक्वल टू लाइक दिस ऐसे लिखोगे, फिर उसका जो आंसर आएगा वो ऐसे लिखोगे, ऐसे सीधे सीधे नहीं लिखना है, ये तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कहीं से कॉपी कर लिया है,
ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से लिखा है, लेकिन आपको नोटबुक में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी हो गई, खत्म, है ना। अब उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरीके से एडिशन करना है उसी तरीके से एकदम सब्ट्रैक्शन भी करना है, वो भी एकदम इजी है। सी, फॉर सब्ट्रैक्टिंग वन डेसिमल नंबर फ्रॉम द अदर, राइट द डेसिमल नंबर्स वन बिलो द अदर सो दैट द डेसिमल पॉइंट्स फॉल एग्जैक्टली वन बिलो द अदर। अगर दो डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल के नंबर के नीचे ऐसे लिखो कि उसका जो डेसिमल है वो एकदम एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। We should also ensure that the two decimal number have the same number of digits after the decimal point. और ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको एडिशन में भी बताया कि डेसिमल के बाद दो नंबर जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं उनमें सेम नंबर के डिजिट होने चाहिए, और अगर आप सेम नंबर के डिजिट नहीं है, कहीं कम है, तो वहां जीरो लगा के उनको सेम बना दो, ठीक है। देन वी कैन सब्ट्रैक्ट द डेसिमल नंबर जस्ट लाइक द होल नंबर्स। फिर ही हम डेसिमल नंबर को जैसे हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, सब्ट्रैक्ट वन, अब देखो ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं बहुत पहले से सिखाती हुआ रही हूँ। सब्ट्रैक्ट 1.85 फ्रॉम 5.4c, बट 4.6, 1.85 को सब्ट्रैक्ट करो किससे, 5.46 से, जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है वो कहाँ आता है, ऊपर, जिसके आगे सब्ट्रैक्ट लिखा रहता है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करो, तो जो माइनस करना होता है वो कहाँ आता है, नीचे। 5.46 माइनस 1.85, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, टेक वन बोरो फ्रॉम हेयर, यहां से एक बोरो ले लिया, यहां हो गया 14 और यहां रह गया 4, ना 14 माइनस 8 6 और 4 माइनस 1 3, दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 5.25 फ्रॉम 8.28, इसको सब्ट्रैक्ट करो किससे, 8.28 से। और वैसे भी अगर ना समझ में आया तो होल नंबर को देखो, जिसका होल नंबर बड़ा वो नंबर ऊपर आएगा, है ना। तो 8.2 माइनस 5.25, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 5 3, सो आंसर इज 3.03, क्लियर, ओके। सब्ट्रैक्ट 0.95 फ्रॉम 2.29, 2.29 जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है वो नंबर ऊपर आता है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, माइनस 0.95। नाउ 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 9 इज पॉसिबल, नहीं, तो यहां से क्या करेंगे, एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ हो गया 12, यहाँ रह गया 1, 12 माइनस 9 3 एंड 1 माइनस 0 1, आंसर इज 1.34। नाउ सब्ट्रैक्ट 2.25 फ्रॉम 5.68, तो 5.68 माइनस 2.25, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3, आंसर इज 3.43। तो समझ में आया, जिस तरीके से एडिशन करते हैं उसी तरीके से बस सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ध्यान रखना है कि जो भी हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका डेसिमल जो है वो एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, और डेसिमल के बाद के जो नंबर है वो लाइक डेसिमल, अगर किसी में कम ज्यादा है तो वो जीरो लगा के उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर आप उनको कर सकते हो। अब आता है एक्सरसाइज 8.6। अब इसके भी फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जैसे मैंने ट्राई दीज में सिखाया बिल्कुल वैसे ही है, तो ये आप खुद से करोगे, समझ में आया। अब सेकेंड क्वेश्चन, वो भी सेम सब्ट्रैक्शन है, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होते हैं वैसे ही है, ये भी आपको खुद से करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना मैं नहीं सिखाऊंगी, ये आपको आना ही चाहिए, आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, है ना। जैसे हम अब जैसे ये है, फिर भी एक बता देती हूँ कैसे करते हैं, पर मुझे लगता है आपको सब्ट्रैक्शन तो आने हो चाहिए। 21.05 माइनस 15.27। अब देखो 5 माइनस 7 पॉसिबल है, 5 से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, यहां से बोरो लेना पड़ेगा, पर यहां भी क्या है, जीरो। तो आप क्या करोगे, इस 1 से यहां बोरो लोगे, यहां क्या रह गया, जीरो। अब इस 10 से यहां बोरो लोगे तो यहां हो गया 15, यहां रह गया 9। तो 15 माइनस 7 8, यहां रह गया 9, 9 माइनस 2 7, अब 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, टेक वन बोरो फ्रॉम दिस 2, और यहां रह गया 1। नाउ 10 माइनस 5 5 एंड 1 माइनस 1 0, आंसर इज 5.78। इस तो सेकेंड क्वेश्चन में तो डायरेक्ट सम दिया हुआ है आपको, दिस माइनस दिस ऐसे करके दिया हुआ है ना, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सी,
हो रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सी कि रुपीज 18.25 फ्रॉम 20.75। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसके आगे फ्रॉम लगा है वो ऊपर आएगा और जिसके आगे सब्ट्रैक्ट लगा है वो नीचे जाएगा। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है कि पीछे वाले नंबर से आगे जहां, क्योंकि फ्रॉम यहां लगा हुआ है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, कि इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, सेकेंड क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज 35.65। राजू ने एक बुक खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 35 रुपीज 65 पैसा। ही गेव रुपीज 50 टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को क्या दिया, 50 रुपीज दिया। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, अब उसको शॉपकीपर से कितना पैसा वापस मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ बुक क्या है, 35 रुपीज 65 पैसा। मनी पेड बाई हिम टू द शॉपकीपर, मनी उसने कितना पेड किया शॉपकीपर को, 50 रुपीज। तो therefore money got back by him, तो उसको कितना पैसा वापस करेगा वो, तो 50 minus 35.65। अब देखो यहां पर 50 is a whole number, 50 का जो है ना, okay, 50 में कोई decimal नहीं है, 50 एक whole number है। 50 रुपीज उसने shopkeeper को दिए और उसने book का cost कितना था, 35.65, ये था बुक की कॉस्ट। तो अब शॉपकीपर उसको कितना पैसा वापस करेगा, तो जिसका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता उसका डेसिमल के बाद आप 0-0 लगा सकते हैं। मैंने बताया था ना कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि हमें उसको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद 2-0 लगा दिए। अब देखो यहां से बोरो किया, यहां हो गया 10, यहां रह गया 4। यहां से बोरो किया, यहां हो गया 10, यहां रह गया 9। अब इससे बोरो किया, यहाँ ये हो गया 10 और ये हो गया 9। नाउ 10 minus 5, 5, 9 minus 6, 3, 9 minus 5, 4, 4 minus 1, 3, और डेसिमल की जगह पे डेसिमल। तो हाउ मच मनी द शॉपकीपर गेव हिम, 14 रुपीज 35 पैसा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ही गेट बैक 14 रुपीज 35 पैसा फ्रॉम द शॉपकीपर। क्लियर, इस तरीके से सम करना है, समझ में आया। जैसे स्टेटमेंट यहाँ दिए हैं उस स्टेटमेंट लिख के फिर उसका कैलकुलेशन भी देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिखा दिया डायरेक्ट, लेकिन ये कैलकुलेशन भी आपको करना है तो पता चलेगा ना कहाँ से आंसर आया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, रानी हैड रुपीज 18.50, शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर 11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंड थर्ड के बच्चों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मनी कितनी है रानी के पास, मनी रानी हैड रुपीज 18.50, शी बॉट आइसक्रीम फॉर रुपीज 11.75, तो देयरफॉर मनी लेफ्ट विद रानी, तो 18.5 जो उसने पास उसके पास मनी थी उसमें से आइसक्रीम जितने की है उसको माइनस कर देंगे। देखो माइनस क्या, 18.50 माइनस 11.75, अब 0 minus 5 इज नॉट पॉसिबल। यहां से बोरो किया, यहां रह गया 4, यहां हो गया 10, 10 minus 5, 5, 4 minus 7 is not possible. Take one borrow from here. यहाँ रह गया 7. 14 minus 7, 7. 7 minus 1, 6. And 1 minus 1, 0. तो कितने पैसे उसके पास बच गए, अब 6 रुपीज 75 पैसा। तो कुछ आंसर क्या लिखोगे, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, शी हैव 6 रुपीज 75 पैसा नाउ। ओके, इसको आपको आंसर लिख देना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, टीना हैड 20 meter, अभी वहां तक देखो एडिशन के भी वर्ड प्रॉब्लम है, आगे के तो सिंपल सिंपल थे, उसके बाद के फिर कन्वर्जन वाले थे। अब सेम यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनका हमें कन्वर्जन करना है। टीना हैड 20 meter 5 centimeter लॉन्ग क्लोथ, शी कट्स 4 meter 50 centimeter लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन, हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विद हर। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज दिस 20 meter 5 centimeter, अब उसमें से उसने एक कर्टेन बनाने के लिए 4 meter 50 centimeter लेंथ का कपड़ा कट कर दिया, तो अब कितना कपड़ा उसके पास बचा, लेंथ ऑफ क्लोथ हैड बाय टीना, कितना कपड़ा था उसके पास, 20 meter 5 centimeter, देखो है ना। अब इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो ये तो मीटर में है ही, 5 centimeter को कन्वर्ट करेंगे
मीटर मतलब डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.05, क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, दिस इज 0.05 मीटर, और ये 20 मीटर तो है, तो 20 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 20.05 मीटर, समझ में आया? अब लेंथ ऑफ क्लोथ कट बाय हर, कितना लेंथ उसका कपड़ा उसने काट दिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, अब इसको भी कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100, और ये भी 2 डिजिट है, 100 में भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल कम्स बिफोर हियर, तो दे बन जाएगा 4.50 मीटर। अब लेंथ ऑफ क्लोथ लेफ्ट विद हर, तो टोटल लेंथ की क्लोथ से जितना कपड़ा उसने कट किया उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सी 20.05 माइनस 4.50, 5 माइनस 0 5, अब 0 से 5 पॉसिबल है? नहीं, तो यहाँ क्या करें, यहां से बोरो करेंगे, देखो मैं बताती हूँ, करते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 20.05 माइनस 4.50, तो 5 माइनस 0 5, अब 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, तो यहां से बोरो करना पड़ेगा, पर यहां भी 0 है, तो क्या करेंगे, यहां से एक बोरो लेंगे, तो यहां हो जाएगा 1, यहां हो गया 10, अब इस 10 से एक बोरो लिया यहां, तो यहां क्या रह गया 9, नाउ 10 माइनस 5 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 4 5 और 1, तो 15.50, इट मीन्स 15 मीटर 55 सेंटीमीटर क्लोथ जो है वो उसके पास बच गया। तो हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विद हर, 15 मीटर 55 सेंटीमीटर क्लोथ इज लेफ्ट विद हर, उसके पास इतना कपड़ा बच गया। समझ में आया कैसे किया? एक कन्वर्ट करने का ध्यान रखना है आपको, हायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ही हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, तो अगर आधा मीटर में दिया है आधा सेंटीमीटर में दिया है तो क्या करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देना है मीटर में, फिर दोनों मीटर को प्लस कर देंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा, फिर उन दोनों डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। नमिता जो है रोज कितना ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर 50 मीटर, इतना वो रोज ट्रेवल करती है, तो उसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से करती है और बाकी का ऑटो से करती है, तो हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो, तो ऑटो से वो कितना ट्रेवल करती है, अब हमें टोटल डिस्टेंस मालूम है, उसमें से जितना वो बस से ट्रेवल करती है वो मालूम है, बाकी का वो ऑटो से ट्रेवल करती है, तो कितना वो ऑटो से ट्रेवल करती है, तो टोटल डिस्टेंस से डिस्टेंस जो बस से ट्रेवल करती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना वो ऑटो से करती है मालूम चल जाएगा, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नमिता डेली, कितना डेली ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर 50 मीटर, अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, तो 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000, 50 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, किलोमीटर में, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.050, है ना, किलोमीटर। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 0.050 तो हो जाएगा 20.050, हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, बस से कितना ट्रेवल कर रही है, 10 किलोमीटर 200 मीटर, अब 200 मीटर को भी कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.200 किलोमीटर, एड 10.200 हो जाएगा 10.200 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर बाय ऑटो, तो टोटल डिस्टेंस माइनस ट्रेवल्ड बाय बस, तो माइनस किया तो देखो 20.050 माइनस 10.200, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 5, अब 0 माइनस 2 इज पॉसिबल, यहां से बोरो करना पड़ेगा, पर यहां भी 0 है, यहां से बोरो किया यहां हो गया 10, यहां रह गया 1, अब 10 से बोरो किया यहां हो गया 10, यहां रह गया 9, नाउ 10 माइनस 2 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 0 9, 9.850 इज द आंसर।
कितना वो ऑटो से ट्रेवल करती है, 9.9 किलोमीटर, 850 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो। समझ में आया किस तरीके से निकाला? ये मैं आपको इससे कर करके दिखा रही हूँ, आपको समझ में आया कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। इजी है बहुत, है ना? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इज ओके। ओके, नाउ आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 केजी। टोटल जो है आकाश जो है वो 10 केजी वेजिटेबल खरीद के लाया। आउट ऑफ दिस 3 केजी 500 ग्राम इज ऑनियन, 2 केजी 75 ग्राम इज टोमेटो एंड द रेस्ट इज पोटैटो। उसमें से इतना ऑनियन है, इतना टोमेटो है और बाकी जो बचा वो पोटैटो है। So what is the weight of the potato? This question is very important for the point of view word problem for 4 marks. ये question बहुत important है, आता ही आता है word problem में। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा question है। 10 total weight दिया हुआ है कि पूरी सब्जियों का जो weight है वो 10 kg है। उसमें से 3 kg 500 grams onion है, 2 kg 75 grams tomato है, बाकी जो बच गए वो potato है। So what is the weight of the potatoes? तो फर्स्ट यू एड दीज टू वेट, ऑनियन और टोमेटो के वेट को प्लस कर दोगे तो आपको एक वेट आ जाएगा टोटल मिला के। अब टोटल तीनों का वेट हमें मालूम है, अब तीनों के वेट में से अगर मैं 2 के वेट को माइनस कर दूंगी तो तीसरे का वेट आ जाएगा, है ना? तो वेट ऑफ वेजिटेबल बॉट बाय आकाश इज इक्वल टू 10 kg। सो वेट ऑफ ऑनियन बॉट बाय हिम 3 kg 500 grams, इसको कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में तो क्या बन जाएगा 3.500, क्योंकि 500 को डिवाइड किया 1000 से, है ना, 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 में 30 तो ये हो जाएगा 0.500 किलोग्राम। अब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3.500 किलोग्राम, है ना? नाउ वेट ऑफ टोमेटोज बॉट बाय हिम, टोमेटो का वेट कितना है 2 kg 75 ग्राम। अब 75 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो डिवाइड बाय 1000, 1000 में 30 तो डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट, 0.075 किलोग्राम। अब ऐड करेंगे किसके साथ, कितना है किलोग्राम 2 kg, तो क्या बन जाएगा ये 2.075 किलोग्राम, और ये कितना बन गया था 3.500 किलोग्राम। हमने ग्राम को कन्वर्ट कर दिया, दिस 500 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में तो आ गया 0.500 किलोग्राम, ये 75 ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में तो आया 0.075, और दोनों दोनों किलोग्राम को ऐड कर दिया। अब देखो वेट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू वेट ऑफ वेजिटेबल माइनस वेट ऑफ ऑनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटो, है ना? टोटल वेट में से ऑनियन और टोमेटो के वेट को ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को पहले ऐड, हमेशा जब भी ब्रैकेट होता है तो पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3.500 प्लस 2.075, इन दोनों को ऐड किया तो आया 5.575। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 kg से। आइए मैं बताती हूँ आपको करके, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करना है, हाँ मैंने आपको बोला है आपको सॉल्व करके दिखाना है नोटबुक में, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट मैंने जैसे लिखा है वैसे नहीं लिख दोगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.500 प्लस 2.075, प्लस करो 5 + 0 = 5, 7 + 0 = 7, 5 + 5 = 3 + 2 = 5, 5.57। टोटल वेट कितना है वेजिटेबल का 10, इसमें डेसिमल पार्ट 0 है तो हम डेसिमल के बाद 30 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें 5.575। अब सब्ट्रैक्ट करो इसको, देखो तो 0 से 5 होता है नहीं, यहां से यहां भी कहीं से बोरो, इस 10 में से मैंने यहां एक बोरो किया तो यहां क्या रह गया 9। अब इस 10 से यहां एक बोरो किया, यहां रह गया 9। अब इस 10 से यहां एक बोरो किया, यहां रह गया 9। नाउ 10 - 5 = 5, 9 - 7 = 2, 9 - 5 = 4 एंड 9 - 5 = 4। इट मीन्स द वेट ऑफ पोटैटो इज 4.425 kg 425 grams। सो द वेट ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ पोटैटो इज 4.425 किलोग्राम। समझ में आया कैसे किया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार मैं बोल रही हूँ,
तो क्या करेंगे, पहले हम टोटल वेट, हमें मालूम है कि 10 kg टोटल वेट था वेजिटेबल का, ऑनियन का वेट दिया था, टोमेटो का वेट दिया था, पोटैटो का, तीनों मिला के जो वेट था वो 10 kg था। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वेट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू वेट ऑफ वेजिटेबल माइनस वेट ऑफ ऑनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटो। ऑनियन और टोमेटो के वेट को प्लस कर दिया और उसको टोटल वेट से सब्ट्रैक्ट किया, तो वी गेट द वेट ऑफ पोटैटोस। क्लियर, समझ में आ गया? दोनों ही एक्सरसाइज बहुत इजी थी, है ना, थी ना इजी? तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, बहुत इजी चैप्टर था, है ना। और अभी आपको अपना काम जो है नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, जो भी मैंने सम्स दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब आपको करने हैं। कॉपी नहीं करना पीडीएफ से, सिर्फ चेक करना अपने प्लस और माइनस सम्स, क्योंकि वो उस टाइप के सम्स डिवाइस डायरेक्टेड में आते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले, और ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं 3 or 4 marks के क्वेश्चन में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। हमारा दूसरा चैप्टर भी फिनिश होता है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे मैं पहले आपको दे दूंगी, अपनी नोटबुक नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करके रखोगे कंप्लीट, फिर जब मैं आपको बोलूंगी तो आप अपनी पहली नोटबुक जिसमें आपने फ्रैक्शंस लिखा था वो लेके जाओगे और डेसिमल वाली नोटबुक सबमिट करके जाओगे। समझ में आया? मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी टाइम और डे, किस दिन आपको रखने आनी है और किस दिन वो नोटबुक लेके जानी है, ठीक है। तो क्या करोगे, फ्रैक्शन वाली नोटबुक लेके जाओगे, डेसिमल वाली नोटबुक रख के जाओगे। फिर हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे डेटा हैंडलिंग, वो कौन सी नोटबुक में लिखना है? फ्रैक्शन में। बहुत से बच्चे मैसेज, वॉइस मैसेज सुनते ही नहीं है, है ना, फिर वो बार बार पूछते हैं मैम मैंने तो उसी नोटबुक में लिख दिया, क्योंकि है एक दो बच्चे जिन्होंने फ्रैक्शन की नोटबुक में ही डेसिमल लिखा है। जब मैंने क्लियरली बोल दिया था कि 2 नोटबुक बनानी है, 1 नोटबुक में चैप्टर फिनिश होगा वो मेरे पास आ जाएगी और आप दूसरी नोटबुक में लिखोगे, जब इस दूसरी नोटबुक में चैप्टर फिनिश होगा तो आप पहली नोटबुक लेके जाओगे और दूसरी नोटबुक मुझे करेक्शन के लिए देके जाओगे। क्लियर? तो डे और टाइम मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी, उस दिन आपको डेसिमल की नोटबुक स्कूल में देके जानी है और फ्रैक्शन वाली लेके जानी है। ओके, सो बाय एंड टेक केयर। वीडियो ध्यान से देखो, मैं चेक किए जा रही हूँ कौन कितना देख रहा है कितना नहीं देख रहा है, और नोटबुक किस किसने नहीं दी है वो भी मैंने नोट डाउन करके रखा है, क्योंकि आपने इस बार इंटरनल मार्क्स तो देखे ही होंगे। जो जिनका व्यूज नहीं है, जो वीडियोज नहीं देख रहे हैं, जो क्लास ऑफ होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, उनको इस बार सच में ही 0 देना है, ठीक है। तो ध्यान रखो, वीडियो देखो, वर्क कंप्लीट करो और अपनी नोटबुक चेकिंग के लिए भेजो। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।